नमस्ते, मैं हिमांशु तिवारी। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन्हें अब टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। अभिषेक बनर्जी की पदोन्नति होनी है, ये चीज तय थी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने जीत दर्ज की। इस चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी से जा मिले। टीएमसी छोड़ने वाले कई नेताओं का यह आरोप था कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं राजनीतिक दल की कमान अब धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी को सौंप रही है। इस बात को लेकर कुछ नेताओं में नाराजगी थी, हालांकि ममता बनर्जी में इस नाराजगी का कोई असर नहीं पड़ा। जो लोग नाराजगी जता रहे थे वो अब धीरे धीरे बीजेपी में पहुंच चुके हैं। उसके बाद अभिषेक बनर्जी और पूरी पार्टी ने जमकर प्रचार प्रसार किया और टीएमसी फिर से सत्ता में लौटाई। एक चीज तय थी कि अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया जाना था और अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इससे पहले अभिषेक बनर्जी टीएमसी युवा विंग के अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह सयोनी घोष को टीएमसी युवा विंग की अध्यक्ष बनाया गया है। कहा यह जाता है कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के कई धुरंधरों का पार्टी से सफाया कर दिया। इसमें से ही एक है शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी के ही कुछ नेताओं ने हमें बताया था कि टीएमसी की यूथ विंग के अध्यक्ष थे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का कद घटाने के लिए टीएमसी युवा नाम से एक नया संगठन खड़ा किया और उसका अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी को बना दिया। अब इन दो जो विंग थी, टीएमसी युवा और टीएमसी की जो छात्र जो संगठन की एक जो विंग थी, उसके जो अध्यक्ष थे शुभेंदु अधिकारी, अभिषेक बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच तकरार होने लगी, जिसका परिणाम यह निकला कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का दामन छोड़ दिया। टीएमसी का दामन छोड़ने के बाद शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि टीएमसी पर बार बार आरोप लगता रहा है परिवारवाद का, और वही टीएमसी अब अभिषेक बनर्जी को बतौर राष्ट्रीय महासचिव आगे ले जा रहे हैं, जो चीजें तय थी। और सयोनी घोष को, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि सयोनी घोष को टीएमसी युवा विंग का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो टीएमसी से जुड़े जो नेता थे उनका जो अंदेशा था वो अब सच साबित हो रहा है। जो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी अब सत्ता में है, अब उसमें क्या उथल पुथल मचेगी या अंदर खाने में सब शांति बनी रहेगी या कुछ लोग हैं जो इस फैसले के विरोध में भी आगे आएंगे, ये सारी तस्वीरें अभी देखनी बाकी हैं। खैर, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें देता रहेगा। आप जुड़े रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।